हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। जो बच्चे मैथ्स को बहुत बड़ा सब्जेक्ट समझते हैं, बहुत हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं, मेरा वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी और वो मैथ्स को बिल्कुल खेलते खेलते सीख जाएंगे। मेन बात यह है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, जिस वजह से आपको मैथ्स समझ में नहीं आती है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप जरूर ध्यान से देखें और हर वीडियो जो मेरे आएंगे इसके बाद, जो लगातार वीडियोज आएंगे, वो सारे वीडियोज आप जरूर देखें, क्योंकि आपको मैथ सीखना है, खेलते खेलते सीखना है, आप जरूर सीखेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड कैलकुलेशन है मैथ्स की, वो डे वन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से डे वन, डे टू, डे थ्री वीडियोज आपके अपलोड होते रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे साइन रूल के बारे में, साइन रूल के बारे में। फिर हम कवर करेंगे सेकंड कट आउट के बारे में। फिर हम एलसीएम और एससीएफ कवर करेंगे। फिर एडिशन कवर करेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन कवर करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कवर करेंगे। डिवीजन कवर करेंगे। यूनिट कन्वर्जन कवर करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कवर करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट कवर करेंगे। और लास्ट में हम बोर्ड मास कवर करेंगे। आप जरूर इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा यूनिक लेकर आया हूं, बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेकर आया हूं। और इतना प्यारा बेसिक है कि जो बच्चा मैथ से डरता है वो इस वीडियो को देखेगा तो वो यकीन करेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया है। ये कोई ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जिंदगी भर आपके जहन में रहेगा। आप जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारा सबसे पहला जो है वो साइन रूल से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन रूल में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पॉइंट है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉइंट है। सबसे पहले आपने देखा यहां पे प्लस सेवन है और प्लस सिक्स है, प्लस सेवन है प्लस सिक्स है, तो बच्चे क्या करते हैं, साइन में जरा ज्यादा फंसते हैं। तो प्लस सेवन है प्लस सिक्स है, तो साइन जब सेम होते हैं, जैसे यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है, तो नंबर एड हो जाएगा। तो प्लस सेवन प्लस सिक्स, तो देखो सिक्स और सेवन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, प्लस का 13। तो प्लस का 13 हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस ना लगाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा यहां देखो, जब साइन माइनस है, माइनस सेवन माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस जो होता है नंबर ऐड हो जाता है, माइनस माइनस नंबर सेवन और सिक्स ऐड हो जाएगा, लेकिन जो ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे। सिक्स और सेवन ऐड करेंगे 13 आएगा और ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का। छह और सात जोड़ेंगे तो 13 आएगा, माइनस का 13। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लस है और माइनस है। अगर प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाता है, प्लस और माइनस संख्या घट जाती है, तो सात में से छह जाएगा, सात में से छह जाएगा तो एक बचेगा। और यहां पर देखेंगे नंबर कौन सा बड़ा है, यहां पर नंबर क्या है, सेवन बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लगाएंगे। यहां प्लस सेवन बड़ा है तो प्लस वन आएगा, इसको आप प्लस वन भी लिख सकते हैं और आप विदाउट प्लस लगा के भी लिख सकते हैं। आप जरा देखें, प्लस सेवन है, प्लस माइनस सिक्स है, तो यहां पे देखें प्लस सेवन प्लस माइनस सिक्स, तो इस प्लस का रिलेशन माइनस के साथ होगा, तो प्लस और माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इसे लिखोगे प्लस सेवन और प्लस माइनस माइनस सिक्स, तो अब जरा देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सेवन में से सिक्स जाएगा तो प्लस का वन आएगा। उसके बाद देखो यहां माइनस सेवन है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ब्रैकेट में जब माइनस है तो ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस सेवन प्लस सिक्स हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, सेवन में से सिक्स जाएगा तो वन होगा। अब इसमें से बड़ा देखिए कौन है, सेवन या सिक्स, बेटा सेवन बड़ा है और सेवन में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पे आएगा माइनस का साइन, माइनस लगाते हैं। माइनस सेवन प्लस माइनस सिक्स, देखो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का सेवन माइनस का सिक्स, तो माइनस माइनस सेम साइन है, नंबर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। छः और छः जोड़ेंगे तो छः और सेवन जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 होगा और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है,
बहुत बेसिक से बताऊंगा। देखो जिनको बेसिक कंप्लीट हैं, जिनको बेसिक आते हैं मैथ्स के, उन्हें ये बहुत आसान लगेंगे, उन्हें उन्हें वीडियो भी वो देखे नहीं क्या पता। लेकिन हकीकत देखी जाए, जिन्हें मैथ्स को मजबूत करना है, मैथ्स को स्ट्रांग करना है, वो मेरे सारे वीडियो जरूर देखे, उसकी मैथ्स बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल खेलते खेलते सीख जाएगा वो। इतना छोटा मैं मतलब जीरो से लेके हीरो तक ले जाऊंगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का नियम बताया था। बच्चे यहां पर जरूर फंसते हैं, तो प्लस प्लस नंबर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस नंबर ऐड होगा लेकिन संख्या माइनस में आएगी, प्लस माइनस माइनस होगा, सेवन में सिक्स जाएगा तो प्लस का वन होगा। बेटा यहां पर देखो ब्रैकेट वाला भी आता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हो जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस सेवन हो जाएगा, और सेवन में सिक्स जाएगा तो प्लस का वन बचेगा। सिमिलरली माइनस सेवन माइनस सिक्स फिर माइनस का सिक्स, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा तो माइनस माइनस का होगा प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा। माइनस सेवन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस सेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस का थर्टीन हो जाएगा, माइनस का तेरह। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो ये दोनों में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, ये रूल जो है वो इसमें लगा देते हैं, इसका रूल इसमें लगा देते हैं। आप लोग ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं। देखिए यहां मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये प्लस का सेवन है और ये प्लस का सिक्स है, तो प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते तो प्लस ही आता है, तो सेवन का मल्टीप्लाई सिक्स से करेंगे, सेवन सिक्स 42 होता है, सात छंग 42 होता है, तो यहां पे लिखेंगे 42, वो भी प्लस का, प्लस का 42 भी लिख सकते हो, प्लस हटाकर 42 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखें आगे, माइनस का सेवन मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा। अब बेटा यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर देखो माइनस सेवन माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं लगा ना, तो ध्यान रखना इसको इसमें मत करना, ये अलग है ये अलग है। बच्चे ये दोनों में फंसते हैं। अगर जिसको समझ में ना आए कमेंट में जरूर लिख देना कि सर मुझको समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए स्पेशल कुछ समझाऊंगा, स्पेशली समझाऊंगा। माइनस सेवन माइनस सिक्स, तो बेटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और सेवन सिक्स कितना होगा बेटा 42 होगा, तो प्लस का 42 प्लस लिख भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। माइनस सेवन प्लस सिक्स, सेवन सिक्स कितना होता है 42, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 42 हो जाएगा। यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में होता है। तो ये आएगा सेवन सिक्स 42 किसका आएगा, माइनस का, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। अब दूसरा देखो, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। माइनस वन की पावर अगर ऑड आती है, माइनस वन की पावर अगर ऑड आती है, माइनस की पावर ऑड, देखो ये माइनस की पावर ऑड, ये देखिए माइनस की पावर इवन और माइनस की पावर ऑड, अगर माइनस की पावर ऑड आती है तो बेटा यहां क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां माइनस की पावर ऑड आती तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस की पावर इवन आती है, अगर माइनस की पावर इवन आती है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस की पावर जीरो होती है, देखो माइनस वन की पावर जीरो बोलूं या वन की पावर जीरो बोलूं या टू की पावर जीरो बोलूं या थ्री की पावर जीरो बोलूं, कोई भी नंबर की पावर अगर मैं जीरो बोलता हूं तो ऑलवेज आंसर वन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस वन होगा, ठीक है। किसी की भी पावर जीरो होगी, ऑलवेज आंसर क्या होगा, वन होगा। अब यहां पे देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप लोग देखो थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस की पावर अगर ऑड होती तो माइनस ही में आता है। जैसे यहां देखो माइनस की पावर थ्री थी, माइनस वन की पावर थ्री थी, तो माइनस की पावर थ्री तो माइनस वन आया, माइनस की पावर क्या इवन है तो प्लस वन आएगा, माइनस की पावर क्या फोर है तो बेटा पावर क्या है, ये इवन है, इवन मतलब जिसमें टू से डिविजिबल हो जाए, और जिसमें टू से डिविजिबल ना हो वो ऑड कहलाता है, तो ये ऑड नहीं है इवन है, तो टू से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि टू टू जा फोर हो रहा है, तो ये इवन है, तो इवन में क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वन आएगा। माइनस की पावर फाइव है तो यहां पर ऑड है, ऑड में मतलब टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है, जब टू से डिविजिबल नहीं हो रहा तो बेटा ये आएगा माइनस का वन आएगा, ये याद रखना, ठीक है। वही चीज मैंने यहां पे आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब यहां देखिए माइनस है,
आपको समझा देता हूं, जब भी ब्रैकेट की बात आती है बच्चे फंसते हैं कि ब्रैकेट होता है तो यहां पे देखो ये पूरा ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के अंदर नंबर है और ब्रैकेट के बाद क्या माइनस है। अब यहां पे जो माइनस है अगर मुझे इस माइनस का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, इस माइनस को हटाने के लिए मुझे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। देखिए जैसे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ए, ये माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो प्लस का बी, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा, अभी सिखाया था मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो माइनस का सी, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो प्लस का डी, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो माइनस का ई, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो प्लस का एफ आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो मैंने सिखाया है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर माइनस बाहर हो ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हो उनके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे ये माइनस है तो प्लस हो गया, जैसे प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको, दूसरी बात ध्यान से समझेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, अब ध्यान से समझे एक्स की पावर है 2 इक्वल टू 16, तो अगर मैं इसमें से स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं क्या लूंगा यहां पे रूट लूंगा, जैसे x से स्क्वायर हटाया तो यहां पे ले लिया स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट में 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का होता है 4, लेकिन रूट के बाद जब नंबर रूट में आ जाता है तो प्लस और माइनस में तोड़ते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे 16 है, अब 16 है अगर मैं आपसे बोलूं माइनस 16, अगर मैं बोलूं आपसे कि इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, अगर मैं बोलूं माइनस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो बेटा ये भी 16 आएगा, और प्लस 4 का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो बेटा ये भी 16 आएगा, तो प्लस प्लस आ रहा है, माइनस और यहां पे माइनस ले रहा हूं यहां पर प्लस ले रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना इसके बाद रूट में हमेशा जब भी कोई नंबर आता है तो प्लस और माइनस में टूटता है, इसके पीछे का रीजन ये है, जिसको भी ये रीजन समझ में ना आए कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना, उसको और अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। अगला देखें, अब हम आते हैं कट आउट पॉइंट पे, किस पे आते हैं कट आउट, कैसे कैंसिल आउट करते हैं हम नंबर को, ये इस कैंसिल आउट का नाम हैड टू हैड, हेड टू हेड, हेड 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 टू हेड, देखो कैसे कट आउट करते हैं, 4 का डिवाइड देंगे, जब 4 का डिवाइड देंगे तो किस तरीके से 4 का हम डिवाइड देंगे वो समझेंगे, जैसे 4 का डिवाइड देंगे 16 में तो 4 4 जा 16, तो ये बिल्कुल आसान था, मैं आसानी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, घबराओ मत, बिल्कुल आसान सिखाऊंगा, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखो ये तो डायरेक्ट हेड टू हेड था, अब इसके बीच में देखो मल्टीप्लाई आ गया, यहां कौन सा साइन आ गया मल्टीप्लाई का, जब मल्टीप्लाई का साइन हो गया तो आपस में इधर उधर कर सकता है, तो यहां देखो 3 3 9 आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, मतलब 4 4 16 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 4 3 12, वैसे मैं इतना लंबा नहीं लिखता, कटआउट सिखा रहा हूं, ये आप लोग मल्टीप्लाई खुद कर लेते, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। अब जरा देखिए 10/3 मल्टीप्लाई 5/2, यहां पे क्या आ गया प्लस आ गया है, अभी यहां पर मल्टीप्लाई था अब क्या आ गया प्लस आ गया, अब प्लस आ गया तो कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला सेक्शन है, ये भी मल्टीप्लाई वाला सेक्शन है, तो पहले हम इसमें आपस में कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10, अब 2 5 10 आ गया, 3 से 5 कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, अब यहां देखो यहां कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 2 3 6 3 आ गया, अब यहां और 2 से 5 तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, अब इसको लिख दो अच्छे से, लिख दो इसको, लिख दो देखो 5 5 जा, यहां क्या बचा 5 और यहां क्या बचा 5 5 5 जा 25, और यहां क्या बचा बेटा 3, यहां बचा मेरे दोस्तों 3, और यहां 2 है और यहां पे क्या 1 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 और यहां पे क्या बचा 5 3 जा 15, इस तरीके से। अब ये आपका फ्रैक्शन में आ चुका है, ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम सारी चीज सिखाएंगे, अभी कटआउट सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, किस तरीके से मैंने कटआउट करके निकाला है,
याद रखोगे इस बात को, यहां बीच में प्लस आया था, जब बीच में प्लस आया तो ये नंबर अलग हो गया, ये नंबर अलग हो गया, इसमें आपस में कैंसिल आउट करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, आपस में कैंसिल आउट करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, फिर बाद में एडिशन कर दिया, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखना इस तरीके को, पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर हेड टू हेड डायरेक्ट। अगला देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 5x। बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका सही नहीं होता वो क्या करते हैं, ये जो 5x दिख रहा है आप सभी को, ये 5x, बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे और ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं कटना, कट करना चाहिए, ऐसे कट नहीं करना चाहिए। हमें पहले नंबर देखो, ऊपर वाले नंबर क्या है, देखो ये 5x है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 2x है, ये 5x है, तो 5 ये जो 5x 3x स्क्वायर प्लस 2x, इनका आपस में जो रिलेशन है, इनका आपस में जो संबंध है वो प्लस का है, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तरीका देखते रहना, तो ये कैंसिल आउट, 5x से 5x कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की 99% बच्चे यही गलती करते हैं, तो कभी ये कैंसिल आउट मत करना। अब यहां पे देखो 5 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां 5 है, यहां 3 है, 2 है, कॉमन नहीं आ रहा है, छोटा क्या है 2 है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, बेटा x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से समझना, x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5, फिर क्या बचा 3x, फिर क्या बचा 2, ये आ गया अपॉन में 5x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हो गया ये। अब जरा देखिए 5 और 2 जोड़ दो, 5 और 2 को ऐड कर देंगे 7 प्लस 3x बाय 5, दिस इज फाइनल आ जाएगा, इसके बाद सॉल्व नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अब यहां देखो ये जो 4 दे रखा है नंबर, अंदर क्या ये ब्रैकेट है, इस 4 का अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये देखो 4 का जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, 2 जा 4 कट गया, कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहां ओनली क्या बचा 2 बचा। अब जरा देखिए, देखते रहिए कि यहां पे जो 2 है, यहां x है, यहां x है, यहां x स्क्वायर है, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो x और कॉमन ले लो, ये वाला 2 लिख दिया मैंने, ये जो मैंने कैंसिल आउट करा 2 जा 4 2 लिख दिया, इसमें से अंदर से x कॉमन ले लो, अंदर से मैंने x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 5 प्लस 3 और प्लस 6x अपॉन में x, और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये x इससे कैंसिल हो जाएगा 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, तो 2 8 प्लस 6x हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और बेटा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x, मतलब 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये आ गया फाइनल, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां जैसे 5x प्लस 3x तो आपस में जोड़ दो, 8x लिख सकते थे, ये भी कर सकते हो। आगे देखो, प्लस वाला हो गया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वाला हो गया, अब देखो मल्टीप्लाई 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 प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, देखो यहां मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई है, और 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो आप याद रखना बेटा ये 3 है, ये 3 ऐसे कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि ये 3 जो है ना वो पूरी तरीके से मल्टीप्लाई में नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, और जब बीच में प्लस आ रहा है तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे 3 से 3 कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, पहले ऊपर देखोगे अगर कोई चीज कॉमन आ रही तो कॉमन कर लेना है, उसके बाद कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान समझें, अब यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, अब जो नंबर आपको बाहर मिल रहा है वो देख लो, देखिए जरा इसका आपस में ये जो है इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दो, और आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखना ये प्लस लगा है बीच में, इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इसका मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस करके फिर 2 × 3 फिर डिवाइड दे देना, आंसर आ जाएगा, याद रखना करना खुद से, ये बिल्कुल छोटी चीजें हैं। देखिए मैं छोटी चीजें सिखाऊंगा, छोटी से लेके बड़ी तक पहुंच जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, एहसास भी नहीं होगा, आप इतने बढ़िया तरीके से मैथ सीख जाएंगे, ठीक है, याद रखना।
देखो 3 × 5 × 7 × 9 इसका आपस में मल्टीप्लाई, इसका आपस में प्लस करके 2 × 3 डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए 5 × 3 × 12 × 7 × 6 × 5 × 2 + 1, ये जो पूरा दे रखा है, अगर ये प्लस वन ना दिया होता तो आपस में यू 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 करके काट देते, लेकिन इस प्लस वन के आने से हम डिस्टर्ब हो चुके और बच्चे क्या करते हैं, ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं होते वो क्या करते हैं, 7 से 7 काट देंगे, 6 से 6 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे और कह देंगे भैया हम बहुत अच्छा करके आए। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले देखो प्लस लग गया ऊपर, और जब प्लस लग गया तो हम आपस में ऐसे काट नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पूरा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस वन करेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये याद रखना, करके देखना, ठीक है, जरूर करना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए, 8 × 7 × 12 × 4 × 18 × 20 × 20। अभी बताइए ऊपर सारा मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर सारा मल्टीप्लीकेशन। अब इससे पहले हमने क्या करा था, इससे पहले करा था कि ऊपर जो है मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस था, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर सारा मल्टीप्लीकेशन नीचे प्लस, तो बात तो वही हुई। क्या मैं इस 5 से 25 काट सकता हूं, नहीं काट सकता हूं। क्या मैं इस 5 से 25 काट सकता हूं, नहीं काट सकता हूं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एडिशन करूंगा और ऊपर भी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर काट दूंगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला देखें, अगला देखें, जैसे देखो यहां 3x है, यहां +5 + 2 है, तो 3x है +5 + 2 है, तो यहां प्लस प्लस वाले देखो, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस का 5 है, यहां प्लस का 5 है, इक्वल टू में दोनों देखो, इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के उस साइड, अगर साइन सेम होते हैं, साइन सेम हो और नंबर सेम हो तो काट दो। ये देखो 3x है, 3x कैंसिल आउट हो गया, देखिए +5 से +5 कैंसिल आउट हो गया, प्यारा सा क्या बचा, 2 = 4x बचा बस। अब x निकालना तो 4 नीचे ले आओ, 1/2 आ जाएगा। ये हम आगे सीखेंगे, अभी तो हमें कटआउट पे ध्यान देना है, कटआउट पे ध्यान देना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5x − 3x − 5x = 3x + 8 + 8x। अब इसमें क्या है भैया, इसमें देखिए प्लस का 3x है, वहाँ कहीं प्लस का 3x है, नहीं है भैया, माइनस का 3x है, देखिए भैया यहाँ प्लस का 3x है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। सेम साइन अगर इक्वल टू के इस साइड होता, सेम साइन इक्वल टू के उस साइड होता और नंबर भी सेम होता तो कैंसिल आउट हो जाता। घबराना मत, जो भी छोटी क्लास का बच्चा या बड़ी क्लास का बच्चा देख रहा है और कोई भी डाउट होता है कमेंट में बिल्कुल ओरिजिनल रूप में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा और ये माइनस का 5x बचेगा, और 3x है और 8x है, 3x और 8x जोड़ दो कितना हो गया, 11x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा देखो ये 2x है, माइनस का 5 है, 2x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लें, 2x में से 5x गया, माइनस का 3x बचा और ये बेटा 11x प्लस 8 बचा। अभी साइन वाला बताया था मैंने कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। अब ये भी बताऊंगा ये x क्यों बचा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2x में से माइनस 5x जाएगा तो x x कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी चीज़ें सीखोगे आप, टेंशन ना लो, घबराओ मत, बस जुड़े रहो अगर जुड़ना है अच्छे तरीके से। तो ये माइनस का 3x है, प्लस का 11 है, यहाँ आएगा तो माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये अब ऐड इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आसान है, नहीं तो अगले वीडियो जो है वो आपके सॉल्व वाले क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, अगला देखें, ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट टू में मैं आगे के क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। और जब पार्ट टू में ये क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा तो आप लोगों को क्लियर और हो जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं यहीं पर इस पार्ट 1 में डाल दूंगा, इसको डे 1 में डाल दूंगा, अगला डे 2 में डाल दूंगा, ठीक है,
ओके, ध्यान रखना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को जो है बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, और ज़्यादा मन करे तो लाइक भी कर देना, और ज़्यादा मन करे तो भैया कमेंट भी कर देना, और ना मन करे तो देख जरूर लेना। अगर कुछ मन करना कर नहीं रहा हो करने का, देख जरूर लेना वीडियो, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा मैं, बिल्कुल आसान कर दूंगा। आप खुद कहेंगे कि यार इतनी आसान है मैथ्स, सब मैथ्स लेके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा मैं। एक मैथ्स का माहौल बना दूंगा, डिजिटल माहौल के साथ साथ एक मैं नैतिक माहौल भी बना दूंगा मैथ्स का, वैदिक मैथ्स भी बना दूंगा मैं, ठीक है, माहौल अच्छे तरीके से। आप जरूर करना इस बात को। ये सारी चीजें मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क दे दा हूं, और कमेंट में जरूर वो होमवर्क के आंसर लिखना, और होमवर्क जरूर करना। होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूं टेबल जो है अप टू 20 तक आप याद करना। बेटा देखो, जो भी वीडियो मेरा देख रहा है पहला, तो 20 तक टेबल जरूर याद कर लेना, टेबल 20 तक कंप्लीट कर लेना, और स्क्वायर जो है वो 25 तक कंप्लीट कर लेना, और जो क्यूब है वो 15 तक कंप्लीट कर लेना। याद रखना, टेबल कहां तक? 20 तक। स्क्वायर कहां तक? 25 तक। और क्यूब कहां तक? 15 तक। ये जरूर याद कर लेना, आप जरूर इस चीज को ध्यान रखें और सीरियस लें, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय